दोस्तों वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन इट लो गाइस, हम लोग इस समय लीलाखेड़ा काकोरी में पहुंच गए हैं और जा रहे हैं सिद्धेश्वरी मंदिर। तो हमारी फैमिली भी है, सो चलते हैं। सिद्धेश्वरी मंदिर ये काकोरी के पास पड़ता है, लीलाखेड़ा काकोरी लगता है। अच्छा अच्छा, तो दोस्तों हम चल रहे हैं राहुल भैया के साथ मंदिर। ये आप देख सकते हैं, यहाँ रास्ते में हमें आम के बाग दिखी है और ये दशहरी देख सकते हैं आप। ये सड़क पे रोड पे है तो काफ़ी आते जाते राहगीर तोड़ते रहते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं छोटे छोटे पेड़ों में इतनी ढेर सारी आम लगी है और ये है दशहरी। कौन सी आम आया? लखनऊआ है। तो दोस्तों ये है लखनऊआ आम, आप देख सकते हैं, और अभी पकने में 20-25 दिन हैं भैया बता रहे हैं। ये है दशहरी, धरती से बस 2 ही फुट ऊपर है। वाह क्या खूबसूरती देखिए इसकी आप। और ये देखिए ये सब 20-25 दिन में पक जाएंगी। सामने सिद्धेश्वरी माता का गेट है और उसी के सामने भैया की बाग है। और ये पेड़ ज़्यादा बड़े नहीं हैं, बस 10-12-15 फुट के हैं। आप देख सकते हैं हर पेड़ भरा हुआ है आम से। गाइस ये रहा माता सिद्धेश्वरी का धाम का गेट और इसी से सीधा रास्ता है। आप लोग ग्राम वासियों से पूछ सकते हैं माता के मंदिर का रास्ता। हम लोग आ चुके हैं माँ सिद्धेश्वरी धाम और चलते हैं अंदर। कुछ इस प्रकार मेला लगा हुआ है। अनरसा मिल रहा है छोटू, कैसे दे रहे हो? 100 रुपए के जी। क्या बोलते हैं इसको? ये अनरसा होता है जिसमें राइस को फर्मेंटेड करके रखते हैं एक दिन के लिए और फिर डीप फ्राई करते हैं। नाइस। ये क्या है भैया, गुड़ है क्या है? अच्छा, गुड़ की पट्टी। और ये पूरी बाजार लगी है तो हम आपको दिखाएंगे वापस आते समय। हमारे साथ चाचा हैं, ये बड़े चाचा हैं, छोटे चाचा गोलू है और मेरी प्याली भांजी है। सो चाचा प्रसाद चढ़ाएंगे। मिश्री है, करी आप देख सकते हैं, यहाँ पे सूखे मेवे चढ़ते हैं प्रसाद के रूप में। आपके हिसाब से तो दोस्तों बाहर कुछ ऐसा दिखता है। शांति और शांति का माहौल काफी रहता है।
हम आपको इसके पीछे नदी है वो दिखाएंगे। भाई प्रसाद चढ़ा के आ गया गाइस। विनय जय माँ सिद्धेश्वरी। जय माता सिद्धेश्वरी। रानी आप सबकी सिद्धि ऐसी हमारी प्रार्थना। गाइस ये हमारे फूफा और ये राहुल भैया हैं, वो हमें लेके आए हैं। सुभाष चाचा और ये गोलू हैं। गाइस आप नदी का ये जल देखिए कितना ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी और बहुत ही खूबसूरत, बेहद खूबसूरत नज़ारा। तो फूफा आप कुछ कहना चाहते हैं यहाँ के बारे में? कहना ये चाहता हूँ कि ये ग्राम लीला खेड़ा के बिल्कुल सटा हुआ अच्छा माँ बिंदेश्वरी माता का सिद्धेश्वरी माता का मंदिर, माता का जो मंदिर है जी, ये बहुत ही प्राचीन और यहाँ सभी भक्तों की जो है मतलब मन्नत पूरी होती रहती है, पूरी होती है। और ये बेतवा नदी के जस्ट बगल में। हाँ तो गाइस हम लोग वो ऊपर मंदिर है और हम लोग ये बेहद खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, तो इसीलिए नीचे चले आए हैं। और अनन्य भक्त यहाँ आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है जी। और मैं यही प्रार्थना करूँगा कि आप भी जो है गुजरे और माता के मंदिर में अवश्य आए। अच्छा लग रहा है यहाँ पे, थोड़ा मौसम अच्छा रहता तो और भी अच्छा आनंद आता हम लोग को। अभी 12 बज चुके हैं तो सर पे धूप है तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। हम आपको मेला दिखाते हैं और हम लेंगे कुछ नहीं क्योंकि सब चीज़ें हर मेले में वही यही सब चीज़ें मिलती हैं। इधर सब कैलेंडर और गर्ल्स लेडीज़ का सम्मान मिल रहा है। यहाँ पे फ्रेश ताज़ी आपको सेव मिल जाएंगी। लैया है और ये देखिए चुंगल मिल रहा है। भैया ये पैकेट कितने हैं? 10-10 रुपए के आपको ये मिल जाएंगे। और ये क्या है भैया? सोन पापड़ी है क्या? अच्छा ये सोहन पापड़ी है गाइस। अनरसा अनरसा मिल रहा है, कैसे दे रहे हो? 50 का आधा किलो। दाल मोठ 35 का 250 ग्राम। अच्छा गुड। और लैया नॉर्मली हर जगह प्रसाद के लिए मिलती है, यहाँ भी वही चीज़ है। ये चना कैसे दे रहे हो? अच्छा 25 रुपये पाव। यहाँ पे 2-3 स्टॉल फास्ट फूड के मिल जाएंगे जिनमें नॉर्मली टिक्की चाट और खस्ता चाउमीन आपको मिल जाएगी। तो सबका रेट बता दो जरा। 10 की प्लेट। अच्छा तो 10 की प्लेट, 20 का पत्ता टिक्की का। अच्छा तो गाइस ये नॉर्मल फूड है जो मेलों में हर जगह मिलता है आपको। भैया पत्ता कैसे दे रहे? अच्छा और खस्ता। तो गाइस हम लोग अब निकल रहे हैं यहाँ से और
मैंने प्रसाद नहीं चढ़ाया है, माता के दर्शन किए हैं। नेक्स्ट टाइम कभी मैं आऊँगा तो प्रसाद भी चढ़ाऊँगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। गाइस काकोरी लीला खेड़ा जब भी आए आप इधर तो सिद्धेश्वरी माता के दर्शन करें, बहुत ही प्यार मंदिर है और बहुत ही सुकून वाली जगह है। देखिए जलेबी बनी है ताजी ताजी, गाइस हम गोमती नगर विश्वास खंड 3 के पास रहते हैं, तो हम पीछे वाला रास्ता हमने लिया है जो कि दुबग्गा होके और ये बड़ा इमाम बाड़ा होके दुबग्गा होके और पीछे से जाता है माता सिद्धेश्वरी, और जो फैजाबाद रोड के आसपास रहते हैं वो दूसरा रास्ता ये ले सकते हैं गोमती नगर से। ये देखिए गोमती नगर वाले और कमता अलीगंज जानकीपुर वाले जो हैं वो दूसरा रास्ता ले सकते हैं, और ये है रिंग रोड, ये देखिए घैलास, और ये आईएमएम रोड है जो सहिता है, ये देखिए सहिता है, जेहता है, आप ये सब पार करके और काकोरी माँ सिद्धेश्वरी मंदिर आप यहाँ पहुँच सकते हैं। और बगल से ये देखिए नदी गई है, इस नदी का नाम हमने वीडियो में बताया है तो आप लोग भी जाइए। और ये देखिए ले लखनऊ मलिहाबाद इसके जस्ट पीछे पड़ जाता है, ये देखिए इस मंदिर के आसपास से मलिहाबाद शुरू हो जाता है। ये है माता सिद्धेश्वरी का मंदिर।